फटीजेब लेकर मुझे फंसाने निकले हो? लकी, तुम्हारे जैसा फटीचर मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। कॉलेज में सबके सामने लकी की डिंपल बेइज्जती किए जा रही थी। डिंपल गजब की खूबसूरत और नकचड़ी लड़की थी। डिंपल, मैं आज से मेरा तुम्हारा ब्रेकअप, जा रही हूँ राहुल के पास, वो मेरी हर जरूरत जानता है, तुम तो उससे भी गरीब हो। डिंपल को जाता देख वो बुरी तरह टूट जाता है। वक्त तेजी से बीत जाता है। लकी की जिंदगी में अब राधिका आ चुकी है। लकी, मैं तुम्हारी सिंप्लिसिटी की दीवानी हूँ। 20 साल की राधिका सांवली सूरत, पुराना बदरंग सलवार सूट, पैरों में पुरानी सैंडल, उदास चेहरा, मानो चांद को किसी ने ग्रहण लगा दिया हो। हमेशा पैसों की तंगी से परेशान लकी आज कुछ अलग लग रहा था। आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है, बस ना मत करना। दोनों ऑटो से एक बड़े से मॉल के सामने उतरते हैं। राधिका चौंक जाती है। यहाँ हमारा क्या काम? चलो, ज्यादा सवाल मत पूछो। लकी राधिका को लेकर एक महंगे ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में घुस जाता है। राधिका, ये ब्लू वाली ड्रेस तुम पर खूब जचेगी। राधिका उस ड्रेस का प्राइस टैग चेक करती है। लकी, ये ड्रेस तो 12,000 की है, इतनी महंगी? नहीं नहीं। अरे बाबा, ट्रायल तो कर लो। लकी की जिद पर राधिका ट्रायल रूम की तरफ बढ़ती है कि तभी अचानक ट्रायल रूम का दरवाजा खुलता है और सामने होती है डिंपल। वो चौंक कर लकी से कहती है, लकी तुम और यहाँ, और ये गरीब सी लड़की तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? ये कोई रोड साइड की दुकान नहीं है,